बैक टू माई न्यू ब्लॉग्स। तो आज है 4th अक्टूबर और आज है दशहरा का नौवीं नौवां दिन। कल होगा दशहरा, दसवां दिन कल, मतलब दशहरा है आज, नवरात्रि का नौवां दिन। तो अभी गए में बहुत सारे जगह पे पंडाल लगे हैं, नए नए, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर। तो देखने का अभी मस्त टाइम है। तो अभी दोस्त लोग का प्लान बन रहा है, 2-3 दिन में निकलते हैं यहाँ से देखने के लिए। सारे जितना भी गया में अंडर में जितना भी पंडाल है यहाँ स्टार्ट करेंगे, गया कॉलेज से लेके, गया कॉलेज से जा बढ़ते हुए गोलबिघा होते हुए, और उधर चल जाएंगे हम लोग चौक से उधर आजाद पार्क साइड होते हुए, स्टेशन होते हुए, आशीष मोड़ होते हुए वापस अपने रूम पे। तो इसी तरीके से हम लोग देखने का तैयारी करते हैं। निकल गए घूमने के लिए और रात के अभी बज रहे 1:45, आधी रात में निकले ताकि कम भीड़ हो। फिर भी देख रहे हैं रोड कितना भीड़ भाड़ लग रहा है, मतलब भीड़ है लेकिन जैसे शाम को भीड़ होता है वैसा नहीं है। और आज दसवीं सुबह दशहरा मेला, तो अभी चलते हैं अभी केदारनाथ। अभी गए कॉलेज वाले देखे होंगे, अभी अब जा रहे हैं केदारनाथ, नित्य सीधा केदारनाथ में। फ़ोन चार्ज नहीं है ज़्यादा मेरे साथ में अभी अनीश और अभिषेक, अभिषेक हाफ पैंट में निकला है घूमने रात में और हल्का हल्का ठंड भी लग रहा है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज है 5 अक्टूबर और दशहरा, और आज अभी हम लोग निकले हैं रात के 1:45 में घूमने। साथ में दोस्त लोग हैं, दो ही दोस्त हैं और सारे सो रहे थे। तो हम लोग निकल गए हैं घूमने, अभी गया कॉलेज से निकले हैं और अब जा रहे हैं केदारनाथ। तो आगे रात में देखते हैं कितना घूम पाते हैं। चौक जाने के लिए ई रिक्शा पकड़े हैं, ई रिक्शा से जा रहे हैं रात में भाई, ई रिक्शा टोटो, ई रिक्शा से जा रहे हैं चौक, तीनों के तीनों। पैदल जाते तो ज़्यादा थक जाते, आते वक्त पैदल आ जाएंगे। गाइस केदारनाथ पहुंच गए, आगे मंदिर जहाँ पे मूर्ति जी बैठे हैं, दुर्गा मैया। अभी आगे है, इधर भीड़ भाड़ उतना नहीं है, आगे है, आगे चलते हैं आगे। बाहर से जो लुक आ रहा है वो दिखा रहा हूँ अभी। अब भीड़ स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा इधर से। Yeah.
पास कॉल कर बना है। अरे निकल तो चलो आगे है। अभी जो देखे हैं आप लोग वो काशीनाथ का था, केदारनाथ का। और अभी हम लोग नेक्स्ट अगले पंडाल में जाने वाले हैं। इधर ही अगल बगल में बहुत सारे हैं बढ़िया बढ़िया, तो वहाँ निकलते हैं। सारे जगह देखते हैं, सारे जगह ही अच्छा अच्छा है, तो चलते हैं। महाराज जो आपको मुझे असमय जगाना पड़ा, और यह क्या कमल के समान खिलने वाला मुखमंडल आज इतना मलिन क्यों है? भ्राता कुंभकर्ण बहन शूर्पणखे एक दिन दंडक वन में भ्रमण करने गई थी। वहां अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आए हुए थे। जब बहन ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने उसे बहुत भला और बुरा कहा। रास्ता साफ क्लियर करवाना, रास्ता क्लियर करवाना। नेपाल अरे रुको नहीं बे, साउंड नहीं है, इसे ध्यान से रखना। ऊपर भी जांच होगी इसे को नहीं। अलग अलग नाम से सब माँ का कल्याण करता और भी अधिक महिमा।
रात के 3:38 और अब सुन सनाटा हो गया, सब लोग घूम घाम के चले गए और हम लोग भी अब रूम पे थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और फोन का बैटरी 1% हो गया है, रेलवे स्टेशन से ही स्टेशन गए थे उधर से ही, कब बंद हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो आई होप मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।